सो फाइनली OMG 2 का ट्रेलर आ चुका है। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की नई फिल्म जिसका नाम है OMG 2 उसका ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। OMG 2 ट्रेलर को देखकर सच में मजा ही आ गया। काफी दिनों बाद अक्षय कुमार ने किसी ढंग के फिल्म में काम किया है जो न सिर्फ लोगों को मनोरंजन करती है बल्कि समाज को भी एक अच्छी शिक्षा देती है। OMG 2 ऐसे टॉपिक पर बनी है जो गलत ना होकर भी समाज की नजर में गलत है, जिसे हम कहते हैं सेक्स एजुकेशन। हालांकि फिल्म के ट्रेलर में इस शब्द का इस्तेमाल होते नहीं दिखाया गया, लेकिन खैर, OMG 2 की शुरुआत में महादेव शिव का स्वरूप नजर आता है। शिव अपने प्रिय नंदी बाबा से कहते हैं, नंदी मेरे भक्त पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, शिवगन में किसी ऐसे को ले जाओ जो उसकी रक्षा कर सके। इससे क्लियर हो जाता है कि OMG में अक्षय कुमार भगवान शिव का नहीं बल्कि शिवगन में से किसी एक दूत का रोल कर रहे हैं। इसके बाद सीन शुरू होता है कोर्ट रूम का, जहां पंकज त्रिपाठी यानी कांति शरण मुदल की एंट्री होती है। कोर्ट में कांति शरण मुदल ने अपनी खिलाफ ही केस किया है और वो खुद ही खुद को डिफेंड भी कर रहे हैं। ये सुनकर जज काफी हैरान हो जाते हैं। खैर, हैरान तो मैं भी हो गया था। कांति शरण मुदल एक साधारण इंसान है जो शिव भक्त है, जो कि पूरे दिन भक्ति करता रहता है। उसने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया है, लेकिन उसके बेटे का ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है जो समाज को स्वीकार नहीं है। उसे सरेआम बदनाम किया जाता है, लोग उस पर हंसने भी लगते हैं और स्कूल से उसे निकाल भी दिया जाता है। वो लड़का इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आत्महत्या करने की कोशिश करता है। कांतिलाल शिव जी से अपने बच्चे को सही राह दिखाने की प्रार्थना करता है और शिवदूत के रूप में अक्षय कुमार एंट्री ले लेते हैं। बच्चे की वीडियो का मामला कोर्ट में जाता है। विपक्ष की वकील यानी यामी गौतम की एंट्री होती है। वो कांतिलाल से कहती है, मुझे ये सोच के भी शर्म आ रही है कि आप अपने बच्चे के इस वल्गर एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं। फिर कोर्ट रूम का सीन होता है। कांतिलाल कहता है, जिस सनातन धर्म के 4 स्तंभ है आप उन्हें अश्लील कर रही है। जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी तब हमारा सनातन ही दौड़ रहा था। ये पूरी फिल्म कोर्ट रूम का ड्रामा है जैसे OMG थी। इसमें भी शिव के दास अक्षय कुमार शिव भक्त कांतिलाल की मदद करने के लिए आए हैं। OMG 2 ट्रेलर में ऐसा कुछ नजर नहीं आता जो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाए। यह फिल्म सेंसिटिव मुद्दे पर बनी है, लेकिन मेकर्स ने इससे इतने चालाकी से बनाया है, यानी कि इतना लाइटली दिखाया है कि किसी को ये फिल्म सेंसिटिव लग ही नहीं सकती। खैर, ये तो सिर्फ ट्रेलर से लग रहा है, असली पता तो तब चलेगा हम जब असली मूवी देखेंगे। तो OMG 2 का BGM यानी बैकग्राउंड म्यूजिक भी बड़ा तगड़ा है। इसके गाने बहुत ही सॉलिड है और अक्षय कुमार काफी एनर्जेटिक भी लग रहे हैं। OMG 2 इसी महीने 11 अगस्त के दिन रिलीज हो रही है। खैर, इतना सब देखने के बाद OMG 2 ट्रेलर का रिव्यू कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे OMG 2 बहुत विनम्रता से ऐसे टॉपिक को दर्शाती है जो हमारे समाज में टाबू माना जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।